तो आज विक्की ने बनाया है पोमेग्रेनेट का जूस। तो ये हमारी देसी वाइन। टेस्ट करके देखा जाए तो मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक। काला नमक के बिना 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 कह रही हूँ, काला नमक के बिना तो दुनिया अधूरी है। बहुत टेस्टी बना है। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हो रखा है, शाम होने वाली है, मतलब अभी 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं। मैं मस्त सो करके उठी हूँ, बहुत ऑफ टाइमिंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। मैं यूजुअली तो सुबह स्टार्ट करती हूँ या फिर मैं शाम को स्टार्ट करती हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है। और आज मैं ऐसी सो गई थी, थोड़ा सा जस्ट ऐसी मेरा मन हुआ था तो मैं सो गई थी। और मैंने क्या नींद ली है, मतलब एकदम होती ना अच्छी वाली नींद आती है दिन में कभी कभी, करके उठी हूँ। और यहाँ पर आज मैं थोड़ी सी ऐसी सॉर्टिंग कर रही हूँ, मतलब ये जो बिल्स विल्स हैं इनको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे जमा हो जाते हैं तो इसकी ड्यूटी मेरी रहती है, बिल्स को संभाल के रखती हूँ मैं। और विक्की जी आ गए, क्या है ये लेके, खरबूजा। का ये रूल है, बहुत अच्छा रूल है, हम लोग कभी भी डबल बेड पर बैठ करके खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत रेयरेस्ट कभी एक आध बार खाया हो तो खाया हो, कोई बीमार हुआ हो तो लेटे लेटे खा ले, मतलब यहीं बैठे बैठे खाते हैं। अदरवाइज़ ये हम लोगों का है कि बेड पे बैठ करके नहीं खाते हैं। हैबिट भी ये बहुत गंदी हैबिट होती है, एक एटिकेट है जो कि काफ़ी नेगेटिव एटिकेट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु आयुर्वेदा नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बेड पे खाना खाने के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, बताऊंगी वो कभी मैं आपको। ओके गाइस, सो आई डिसाइडेड टू फिल्म अ वीडियो। मैं शूट करते करते कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी हैं, तो मैं इंट्रो और आउट्रो जो है वो अभी शूट करूंगी, फिल्म करूंगी। एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन दिस, मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसका देना, और मुझसे काफ़ी सारे DMs में आता है कि आपने ये जो खरीदा था एंटी ग्लेयर का क्या रिजल्ट है, कैसा है, क्या है। तो मैंने पहले ये चीज़ बताया था ना, भोपाल में थी तब मैंने ये चीज़ बताया था कि मेरे आँखों में बहुत जलन होने लगती है, स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से मुझे सर भारी भारी लगता है। वो सारा प्रॉब्लम मुझे बंद हो चुका है। मैं कितनी भी देर स्क्रीन पे काम करती हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेंस कार्ड से मैंने परचेज किया था, फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू आर न्यू हियर, और जिनको नहीं पता, ये मैंने लेंस कार्ड जॉन जैकब्स का है, ये फ्रेम जो है ये जॉन जैकब्स की है। एंड इसके जो अंदर के जो ग्लासेस हैं ये 0 पावर है, बट ये जो आप स्क्रीन पे काम करते हो, हम जो मोबाइल चलाते हैं, और ये जितनी भी यूवी रेज और ये सब होती है जो आपकी आँखों को, जिसकी वजह से स्ट्रेन होने लगता है, वो सब कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो रेज आपकी आँख तक पहुँचती नहीं अगर आप ये लगा लेते हो। तो इट्स वेरी वेरी गुड। जब मैं काम वगैरह करती हूँ, मोबाइल पर रहती हूँ ज़्यादा टाइम, तब मैं इसको डेफिनेटली लगा करके रखती हूँ। वैसे ही मुझे लगता भी काफ़ी क्लासी पीस है। सो येस, मैं फटाफट से ना रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे शूट करना है, शूट करने के लिए बैठना है। तो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद माय कंसीलर। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा कंसीलर यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ अ LA Pro HD कंसीलर इन द शेड प्योर बेज। तो इससे मैं इसी को यूज़ करती हूँ, कोई हाईलाइटिंग कंसीलर अपन यूज़ करते हैं नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको लगाऊंगी बस यहाँ पर अंडर आईज में। मेरे को यहाँ नोज़ के अराउंड में ना काफ़ी वो रहती है, थोड़ा सा रेडनेस रहता है, तो यहाँ पर हल्का सा एंड थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेते हैं। एंड थोड़ा सा मैं सेंटर में यहाँ पर लगा लेती हूँ, जस्ट टू गिव अ नाइस कवरेज, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। सो एंड जो मैं ब्लेंड करती हूँ जिससे ये कंसीलर, दिस इज आपने देखा होगा, काफी लोग बोलते हैं कि मेकअप लगाने से स्किन डैमेज नहीं होती है, बट गाइज इट डज डैमेज योर स्किन, आपकी स्किन डेफिनेटली डैमेज होती है। से मैंने अपना मेकअप जो है कम कर दिया लगाना, फाउंडेशंस कम कर दिए लगाना, बाकी सारी चीज़ें, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर हुआ करता था, मतलब ओपन पोर्स वगैरह। मस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल यू कैन सी माय ओपन पोर्स आर ऑलमोस्ट यू नो बहुत कम हो गए हैं। एंड आई फील लाइक कि मेरी स्किन काफ़ी, इनफैक्ट जब मैं कम एज की थी, जब मैं 27, 28 थी, तब मेरी स्किन ज़्यादा डैमेज थी एज़ कम्पेयर टू जब मैं 30 की हूँ, तो मेरी स्किन अगर मैं कंपेयर करूँ तो तब ज़्यादा डैमेज थी। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई वॉज यूजिंग हेल लॉट ऑफ मेकअप ऑन माई स्किन। आई नो मेकअप करना अच्छा लगता है, बट आई फिगर आउट अ वे जो बिल्कुल मिनिमल में भी मेरा काम हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेकअप अच्छी चीज़ नहीं है लगाना, बट ऑब्वियसली मेकअप बनता किससे, इतने सारे केमिकल से बनता है, तो वो आज नहीं तो कल वो आपकी स्किन को डैमेज ज़रूर करेगा।
एंड आज मैं कोशिश करूंगी कि बहुत कम हाई ये लगाऊं. So I'm all ready and this is what I'm wearing. ये मैंने पहना हुआ है और इस तरह से मैंने छोटी मोटी बना ली है. पोनीटेल वाला लुक रखने वाली हूँ. सो अब मैं बैठती हूँ शूट करने के लिए एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज़ माई अनदर कैमरा. तो मैं ना अभी यहाँ पर बैठने के वाली हूँ. मतलब ये आपको दिख रहा है, मैंने इधर भी पूरा ऐसे सेटअप कर लिया है और ये रहा मेरा कैमरा, मैंने ये सामने लगा दिया है. तो मैं यहाँ बैठने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये वाली लाइट भी ऑन कर दी है और वो वाली भी बल्ब ऑन है एंड इधर पे ये जो ऊपर एक ट्यूबलाइट है ये ऑन है एंड बहुत सही लाइटिंग आ रही है. मुझे रिंग लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सही लाइटिंग आ रही है. और मैं बस प्रे कर रही हूँ कि वीडियो सही टर्न आउट हो जाए क्योंकि स्क्रीन पे जो फ्लिप स्क्रीन है उसको तो ये बहुत सही दिख रहा है. पता चले चोट हो जाए जब मैं इसको लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करूँगी तो चोट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए वीडियो. तो मैं यहीं बैठ करके, बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ बैठ करके आज वीडियो बना रही हूँ. तो फटाफट से, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 15-20 मिनट्स का सिर्फ शॉर्ट है. ओके गाइस, आई एम डन विथ माई वीडियो और मेरे पैर एकदम अकड़ गए क्योंकि मैं मैं ऐसे बैठी हुई थी, बिल्कुल एक ही पोजीशन में बैठी थी और आधा घंटा मैंने बोला था, आधा घंटा हो गया है. 6:30 में मैं वीडियो बनाने बैठी थी, 7:00 पे मेरा ख़त्म हो चुका है. मैंने सोचा था कि मैं आज इसको एडिट कर कुरा करके ख़त्म कर दूँगी, बट अभी तो खाना बनाने का टाइम हो गया है, खाना बनाऊँगी मैं. एंड मेरा मेकअप काफ़ी सही लग रहा है, क्या बोलते हो पब्लिक? तो फटाफट से चेंज करती हूँ और फिर आपको कैमरा दिखाती हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी कि मेरा कैमरा कौन सा है एंड मैं लास्ट वीडियो में भूल गई. दिस इज़ माय कैमरा जो कि ऊपर रखा हुआ है. तो मैंने जो कैमरा लिया था, इसके पहले कि मैं पहले ना आपको बैक स्टोरी बता देती हूँ. ये वाला जो कैमरा है जो मैंने ये कैनन का लिया है, ये मुझे बिल्कुल लेने का कोई मन नहीं था. मैंने कैमरा जो फाइनल कर दिया था वो था सोनी अल्फा 6400. मैं पहले ही बताई हूँ जब मैं ये कैमरा लेने वाली थी, मेरा वो कैमरा फाइनल हो चुका था, सब कुछ उसका फाइनल हो चुका था. ये मेरे साथ एक्चुअली वो मैं क्यों लेने वाली थी, मैं उसका एक रीज़न भी बताती हूँ. लास्ट ईयर से मेरा प्लान तो था कि मैं कैमरा अपग्रेड करती हूँ, थोड़ा व्लॉग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती हूँ. या सोचा था कि मैं एक ऐसा कैमरा परचेज करूँगी जिससे मैं व्लॉगिंग भी कर सकूँ और जिससे मैं सिट डाउन वीडियोज भी कर सकूँ और जो हैंडी भी हो. तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन उस टाइम पे लग रहा था वो ये लग रहा था, सोनी अल्फा 6400. एंड काफ़ी सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने उसको परचेज भी किया था एंड मेरा ऐसा था कि हाँ मैं लूंगी ऐसे करके था. तो मुझे यूट्यूब इंडिया की तरफ से एक कुछ मिला था, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती इन डेप्थ की क्या है कैसा है, वो मुझे अलाउड नहीं है. बट उसमें मुझे ये था कि मुझे 25-30% तक का ऑफ मिल सकता है सोनी के कैमरा में अगर मैं उस मंथ में परचेस करती. तो मैं फाइनल हो गई, मैंने कहा यार चलो ले लेती हूँ. तो सोनी अल्फा 6400 आता है, आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ ये इस तरीके का दिखता है. एंड इसका जो करंट प्राइस है वो है 84 या 86, कितना आ रहा है, हाँ 84490 है. तब भी ऑलमोस्ट इतना ही था, 85 कुछ का था एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 60,000 में पड़ रहा था. प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब मैंने वो क्वालिटी चेक करी ना सोनी अल्फा की, तो आई नो हर कैमरे में सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है, मैनुअल है ये कैमराज, मैनुअल होते हैं, सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है. तो मुझे ना ऐसे एक होता है ना, मन एकदम से ऐसा बोल देना कि हाँ यही कैमरा मुझे लेना है, एंड मुझे नहीं पसंद आया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने 60,000 में वेस्ट कर रही हूँ. मतलब इतना फाइनल हो चुका था कि हम नेक्स्ट डे जा करके ले रहे थे सोनी अल्फा, मैंने बुक ऑलमोस्ट कर रही, नेक्स्ट डे जा करके मैं बुक करने वाली थी. मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि हाँ हाँ मैं ले रही हूँ, मैंने यूट्यूब इंडिया वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ हाँ मैं ले रही हूँ. पता नहीं क्या मेरे रात में दिमाग में आया, मैंने कहा यार मैं थोड़ा और चेक करती हूँ कि इस तरह के कोई ऐसा कैमरा जिसमें फ्लिप स्क्रीन भी हो, इस तरह से फ्लिप स्क्रीन हो, इसका जो लेंस है वो इस तरह से निकल सके, मैं ऊपर माइक लगा सकूँ, माउंट हो, ये हो वो हो, ये सारे मेरे रिक्वायरमेंट फीचर्स थे मुझे. मैंने ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया एंड मुझे एक कैमरे के बारे में पता चला, कैनन M6 Mark II. मैंने उस दिन फर्स्ट डे इसको देखा एंड 3 से 4 घंटे मैंने सिर्फ इसी के वीडियोस देखे, दोनों के कंपैरिजन देखे. बाद में कहीं पर भी ये जो कैमरा है ये अवेलेबल नहीं था, मुझे किसी डीलर से लेना था क्योंकि इतनी महंगी चीज़ अमेज़न से
नहीं है, नहीं लेती मैं महंगी महंगी चीज़ें अमेजन वगैरह से। मुझे मैं कैनन M6, फिर हम लोग गए डीलर के पास, हमने बुक करा एंड एवरीथिंग। तो ऐसे इसकी स्टोरी है, इस तरह से ही आया है। तो यही लिखा था आना, इसलिए ये बताओ रातों रात मेरा डिसीजन चेंज हो गया इस कैमरे के ऊपर। सो आई विल नॉट से दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी विद दिस, एटलीस्ट मैं उससे ज़्यादा हैप्पी इसमें हूँ। ऐसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो अगेन 82 या 83 कुछ था, एंड 77 अमेजन पे मिल रहा था, एंड मुझे ऑन जो मैंने डीलर के साथ शॉप किया था उन्होंने मुझे ये 75 में दिया था, बट बिकॉज आई बॉट 3 बैटरीज, मतलब इसी के साथ आती है ठीक है, और उसके साथ में मैंने 2 और बैटरीज परचेस करी थी। मेरे साथ मेरा दिमाग इतना, क्योंकि मेरे जो G7X के साथ भी मेरे साथ उसके पास भी मेरी 3 बैटरीज हैं, तो मैंने इसके साथ भी 3 बैटरीज परचेस करी। आई विश कि मैं तो 2 ही बैटरी परचेस करती, बिकॉज इसमें ये फीचर है आप इसको लगा लो और यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हो, मतलब अगर आप सिट डाउन वीडियो कर रहे हो तो यू कैन चार्ज इट विथ हेयर ओनली। तो ये मुझे काफी सही लगा था, और फ्लिप स्क्रीन है, मुझे तो ये फ्लिप स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए था। तो यस, आई एम स्टिल लर्निंग, मुझे इसके बहुत अच्छी तरीके से अभी फीचर्स नहीं आए। मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। दिस इज द कैमरा, इसका लेंस, तो ये है कैमरा। मुझे पसंद है, मेरा कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे मैं काम करती रहती हूँ। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता सामने वालों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बट मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। ओके गाइस, शाम हो गई है, रोटियाँ बन चुकी है मेरी, वो मैंने शॉट नहीं लिया है क्योंकि अभी क्या रोटियों का शॉट लूँ मैं। और ये देखिए, ये बाबा जी बैठे हुए हैं हमारे, बाबा जी इतना दाढ़ी मूछ, एक बात बताइए आपने अपनी इतनी बियर्ड और ये जो है सब क्यों बढ़ा के रखी है? आपको तो इस बार ट्रिमर अच्छा गिफ्ट मिला है, तो आप ना हेयर कटिंग करा रहे हैं ना आप, क्यों बाबा जी उनके बैठे हैं? काम पे अटक गए हैं, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ना दाढ़ी कटेंगे ना मूछ कटेंगे ना बाल कटेंगे। परसों के दिन मैं विक्की को ऐसी बोल रही थी, मम्मी ने बोला था शायद से, हाँ मम्मी ने मुझे था वीडियो कॉल में कि देखिए इतनी दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ा के रखी है विक्की ने, तो मैं हंस रही थी, मैं मम्मी को बता रही थी कि इसका रीजन ये है, ये ना ऐसे ये यहाँ पर आती है तो परेशान करती है, इरिटेट होता है, तो इरिटेट होगा तो ये काम जल्दी जल्दी करेगा, और मतलब अलग ही लॉजिक इंसान अपने आप को वो रखता है, ग्रूम्ड रखता है ताकि उसका काम में फोकस रहे, ये उल्टा है, ये अपने आप को वैसा रखा हुआ है ताकि इसका फटाफट काम हो जाए, और फिर लॉजिक अलग, ये कौन सा लॉजिक होता है कि इंसान अपने आप को ग्रूम्ड रखता है तो उसका काम में मन लगा रहता है? मैं हूँ ऐसी, मैं अगर ऐसी बाबा जी जैसे बाल रख लूँ, कोम वोम ना करूँ, मतलब उठपटांग कुछ ऐसे आईब्रोज अपनी खूब बढ़ा लूँ, तो मुझे तो खुद को देख करके इतनी चिढ़ होने लगेगी कि मेरे को जो काम कर रही होंगी मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, वैसा मेरे साथ होगा। तो आप उल्टे प्रजाति को बाबा, आप ये देखो जो काम में फोकस नहीं, आप लोग बताइएगा ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, किसी काम में आपको 100% डेडिकेशन और फोकस चाहिए तो क्या मैं ये दाढ़ी और अपना चेहरा कैसा दिख रहा है, मैं किस जगह पे बैठा हूँ, उस जगह पे एम्बियंस कैसा है, खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब देखता बैठूं? वो काम में अगर मेरे को फोकस चाहिए तो ये सब चीज़ें तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने ये सब दुनियादारी छोड़ दिया। और मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे बिल्कुल एम्बियंस चाहिए, अलावा एम्बियंस चाहिए पहले ठीक है, मुझे ऐसा है कि टेबल, अगर कोई इंसान से कोई पूछता है कि आपको सोने के लिए क्या चाहिए तो बता, एक बिस्तर, एक क्लीन कमरा, क्लीन बेडशीट, उसका रूम का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अच्छा ब्लैंकेट, साफ ब्लैंकेट, नींद आनी चाहिए भैया तो सो सकता है इंसान। अरे नींद तो आएगी ना, इतना सब कुछ है और नींद नहीं आ रही, तो एक सिंपल सी बात है, काम में फोकस होना चाहिए और काम में फोकस के लिए ये सब चीजें त्याग सकते हैं। मच नीडेड स्क्रू टाइट, और ये देखो मेरा टाइट करते हैं, मैं इसे निकाल के फेंक देता हूं। जीरो लॉजिक, जीरो जीरो लॉजिक। चलो आज हम वो देख रहे हैं, स्टोन मैन देख रहे हैं। तो देर इज दिस चैनल जिसका नाम है दीक्षा शर्मा, इधर फिल्मी कुड़ी, द फिल्मी इंडियन गर्ल, ऐसी कुछ नाम है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी चैनल का। भाई साहब वो क्या रिव्यू देती है मूवीज का, और वो ना तो कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, ना कोई अब्यूजिव वर्ड यूज, शुद्ध हिंदी में वो रिव्यू देती है,
अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की वो क्या सही तरीके से बजाती है, मजा आ जाता है मुझे उसको देख करके, वो बहुत सही तरीके से रिव्यू देती है। तो उसके जो मूवी रिकमेंडेशंस होते हैं ना, मैं यूजुअली वो फॉलो करती हूँ और देखती हूँ और मुझे पसंद भी आते हैं। वी ऑल्सो गॉट वेजीज, तो ये सब अभी आज ऐसे ही रखी रहने देंगे, धूप में रखी थी, वैसे तो 6-7 घंटे हो गए धूप में थी ये, अभी ये रात भर हम यहीं रहने देंगे। मैंने हाथ लगा दी तो मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे, कल के बाद मैं सीधे आज आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ पर आज विकी जी ने बनाया है शेक ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन जूस, नॉट शेक। खुदादा पी रहा है और चीयर्स कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो दूध है वो काफ़ी सारा बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ, सोच नहीं रही हूँ, मतलब मैं रबड़ी बना रही हूँ इसकी। 2 पैकेट दूध ये है एंड 2 पैकेट दूध ये है। Alexa, stop. तो हाँ, अभी हम लोग है ना वो सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मैं कैसे लगाती हूँ, उदित आदित्य कह रही हूँ, उदित नारायण प्ले लिस्ट लगा देते हैं, सोनू निगम प्ले लिस्ट लगा देते हैं, तो ऐसे हम लोग प्ले लिस्ट लगा के सुनते हैं। तो अभी वो वाला गाना सुन रहे थे, धड़कन का चल रहा था, तो मैं विकी को ऐसी बोल रही थी, पहले ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि सब ऑटो बस हर जगह ये सॉन्ग चलता था, रेस्टोरेंट जहाँ भी जाओ वहाँ पर। विकी बोलता मैंने वो मूवी भी देखी, तो मैं विकी को डायलॉग बता रही थी सुनील शेट्टी का, वो जो फेमस वाला ना, बोलो आपके पास तो टैलेंट है ना, बोल मुझे अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, एक पैन में बन रही है रबड़ी, यहाँ पर बन रही है गोभी की सब्ज़ी, और दूसरा वाला जो स्टोव है उसमें बन रही है, थर्ड वाला जो है उसमें बन रही है रोटियाँ। तो मैं यहाँ पर रबड़ी की रेसिपी बता देती हूँ, काफ़ी लोग जब भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हूँ तो पूछते हैं कि आप ये कैसे बनाते हो, और जैसे जैसे बॉयल आता जाता है ना, तो उसके ऊपर की जो ये मलाई टाइप जमती है ना, वो आपको साइड में ऐसे स्टिक कर देनी रहती है। एंड ट्राई करिएगा कि ये पैकेट वाले दूध की जगह जो प्योर दूध होता है ना, कहीं से अगर आप अरेंज कर सकें तो उससे बनाइएगा, टेस्ट इसका डबल हो जाता है। तो अब देखिए, जब मैंने काफ़ी सारा जो मलाई थी वो साइड में लगा दी थी, अब मैं उसको स्क्रैच करके वापस से जो दूध है उसमें मिक्स कर रही हूँ, एंड ये काफ़ी थिक हो चुका है एंड काफ़ी कम हो चुका है, तो अभी भी मैं इसको बॉईल करूँगी, एटलीस्ट 3-4 hours तक बॉईल करना रहता है इसको, डिपेंड करता है कि आपको कैसा थिक चाहिए कैसा चाहिए, और कुछ पाउडर वगैरह आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दूध मिलाना है। उसमें मैंने शक्कर ऐड कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग शक्कर ऐड कर दीजिए, एंड आपको चाहिए रहती है इलायची एंड पिस्ता, दैट्स इट। मतलब मैं लिटरली 3 घंटे से, लेजिट 3 hours से इतनी गर्मी में अपने पति के लिए रबड़ी बना रही हूँ। पति के लिए मत बोल, खुद भी खाएगी मोटू। तो मैं भी खाऊंगी ना, अभी 3 घंटे खड़े होकर के इतनी वो नहीं हूँ मैं महान की पति को ही सिर दूंगी। तो सिर्फ देखने को मिलती है पहले दिन, दूसरे दिन गायब हो जाती है। यार इतनी टेस्टी बनती है। और मैं एक, मतलब हम लोग वैसे क्या करते हैं, इक्वल खाते हैं, बट मैं एक वाला जो बाउल होता है वो मैं एक्स्ट्रा इसलिए लेती हूँ, मैं विक्की को बोलती हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे खड़े होकर मेहनत करी है। वो एक बाउल सिर्फ पति को सिर्फ मिलता है। झूठे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक एक्स्ट्रा में लेती हूँ, हम लोग इक्वल खाते हैं। तो अभी तक मैंने शार भी नहीं लिया क्योंकि इतनी भयानक गर्मी हो रही है, और मुझे पता था कि यहाँ पर खड़े होकर के रबड़ी बनाऊंगी तो मुझे 3-4 घंटे आराम से लगेंगे। मैं लिटरली 10:30 से खड़ी हूँ और टाइम हो रखा है 1:30 हो रहे हैं, तो अब मैं ये बनाने के बाद छानने के लिए जाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इलायची का पाउडर, घर पे ही बनाया हुआ है, नॉर्मल इलायची निकाल करके उसका जो होता है ना अंदर का, उसको कूट देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो पिस्ता होता है उसका पाउडर मैंने बनाया था, वो मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, मतलब शुगर, पिस्ता एंड इलायची का पाउडर, दैट्स इट। और बहुत ही शानदार टेस्ट आता है इसका, बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलाना मुझे पसंद नहीं है, लाइक काजू बादाम, फिर वो टेस्ट रबड़ी का एक्चुअल ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है वो चला जाता है। तो इतनी चीज़ें मैं इसमें मिलाती हूँ, और ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है, और मुझे वॉइस ओवर करते हुए पानी आ रहा है, तो मैं जा करके अपनी रबड़ी खाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारी बनी थी तो बची हुई है अभी भी, तो मैं वो खाती हूँ। एंड बस ये हमारी बन चुकी है, जितनी थिक चाहिए उतने थिक पे आप इसको बंद कर दीजिए, एंड इसको कोल्ड होने दीजिए, जैसे ये कूल हो जाएगी उसके बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दूंगी पिस्ता से, तो हमारी जो रबड़ी है वो बन के रेडी है। तो यस गाइस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। आई नो दैट